sharks. नमस्ते, मेरा नाम देवेश है और मैं 20 साल का हूँ और आज मैं अहमदनगर से अपनी एक होल्ड एनर्जी ड्रिंक की कार चलाकर आया हूँ। ये वही कार है जिससे मैं अपने ब्रांड की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करता हूँ। सच बताओ शाक्ष, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो कॉलेज में एक साल बाद मैंने ड्रॉप आउट लिया अपने बिजनेस के सफर को शुरू करने के लिए। एक साल रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अरे, इंडिया में एनर्जी ड्रिंक की मार्केट तो बहुत बड़ी है, बट इसे काफ़ी तरह विदेशी ब्रांड ही चला रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि इंडिया में एक ऐसा पॉकेट फ्रेंडली एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करना जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और बेस्ट इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करे। तो शार्क, मैंने होल्ड एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत की। होल्ड एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है जो टेस्टी भी है और सस्ता भी है। तो शार्क, इसको हेल्थ में ध्यान में रखते हुए हमने इसमें इनोसिटॉल ऐड किया है। इनोसिटॉल इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि इंसान के अंदर सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करता है, यानी कि आपको हैप्पी फील कराता है और वुमेन्स में पीसीओज में भी हेल्प करता है। तो शार्क्स, अभी तक हम गोवा, पुणे, मुंबई, नासिक एंड बीड इस 5 जगह पर अवेलेबल है। तो शार्क्स, कौन कौन बनाना चाहेगा होल्ड एनर्जी ड्रिंक को इंडिया का लीडिंग एनर्जी ड्रिंक ब्रांड बनाना? तो शार्क, इस सपने को पूरा करने के लिए मेरी आज के 50 लाख फॉर 2% इक्विटी। तो शार्क्स, आर यू बोल्ड टू ज्वाइन होल्ड? देश भाई, कहाँ से आपने बताया? अहमदनगर में एक निगोज गांव है, छोटा सा, वहां से। ये बताइए, आपने बोला कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मतलब मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो 11वीं में क्या किया, मैंने ज्योग्राफी ले लिया 6 महीने बाद। और दोस्त थे मेरे, 6 दोस्त थे, तो उनको भी ज्योग्राफी लेने के लिए मजबूर किया। मेरे साथ नहीं था ना कोई। 12th फिनिश करने के बाद डी फार्म के लिए एडमिशन लिया, बट एक साल बाद ड्रॉप आउट कर लिया। वहाँ कितने दोस्तों की जिंदगी खराब की? नहीं, वहाँ तो ऑनलाइन चालू था ना। देवेश, समझ आ गया था कि इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो एडमिशन क्यों लिया? मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, बट आता था, मतलब एक रात पहले पढ़ गया ना तो कल एग्जाम दे सकता था। बट क्या हुआ, कोरोना का सीजन चल रहा था तब। सीजन? हाँ, मतलब कोरोना का चल रहा था। एंड सब मेडिकल के इसमें, सब डैड भी बोले कि यार मेडिकल के लिए एडमिशन ले, फार्मेसी के लिए, तो उसकी वजह से मैंने डी फार्म के लिए एडमिशन लिया था। कब की बात है, कौन सा? 2021 की। 2021 के बाद मुझे खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू करना था, मींस कुछ ब्रांड बनाना था। बहुत सर्च करने के बाद मुझे एनर्जी ड्रिंक का कंसेप्ट सबसे अच्छा लगा और मैं फेस भी करता था, क्योंकि वो प्राइसिंग की वजह से, बाकी एनर्जी ड्रिंक की प्राइसिंग सब 100+ प्राइसिंग में आती है। आपकी 60 रुपीज। एंड डैडी क्या करते हैं? पापा का वेल्डिंग का वर्कशॉप है और लॉन्स वेल्डिंग। फिर आगे जब कंपनीज को कॉल करता था ना कि मेरा ब्रांड का बनाना है मुझे ऐसा ऐसा, तो वो बोलते थे कि 30 लाख के ऊपर ही बजट जाएगा, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी 3 लाख कैंस की रहती है। तो मैंने 27 कंपनी ने रिजेक्शन किया इंडिया से। तो फिर भी क्या, एक दिन गुजरात का एक कॉन्टैक्ट मिला, उनसे कोऑर्डिनेट किया, सर ऐसा ऐसा है, मुझे स्टार्ट करना है और आपकी हेल्प चाहिए। तो वो बोले आओ गुजरात, तो बात भी थी उनसे, वो रेडी हो गए और फिर होल्ड स्टार्ट किया। फाइटर बहुत हो, जिद्दी, बहुत बढ़िया। पापा ने मुझे 5 लाख रुपीज दिए, 5 लाख में मैंने 4 लाख का, मतलब वो सब इन्वेंटरी वगैरह लिया, एंड 1 लाख मेरे पास बचे थे, तो वो गाड़ी वगैरह रैप करवाया। तो कहीं भी जाता तो कहीं भी जाता हूँ ना, तो गाड़ी से ही जाता हूँ, और घर भी गाड़ी लेकर जाते, दोस्त लेकर जाते, तो मार्केटिंग सब जगह मार्केटिंग हो जाती कार। बहुत सही है यार। तो ये हम पे कुछ प्रोडक्ट, कुछ एनर्जी हमारे को भी दे दे। हाँ यार, टेस्ट के लिए। ओ, गाड़ी में ओ, ओ। चिलर है, क्या बात है। Do most energy drinks have caffeine? Yes. What else? All caffeine drinks have. All most energy drinks have caffeine. सही है भाई, मेरे को तो पूरी थोड़ी सी Red Bull जैसी फील ही आ रही है। वही चीज है, बिल्कुल से बेटर है हम। ये वोल्ड का मतलब क्या है? बोल्ड से लाए हो, कैसे लाए हो? कैची नाम चाहिए था मुझे, तो HOLD नाम फिक्स किया, बट वो रजिस्टर था, तो ऐसे बाइक पे जा रहा था, क्या नाम रखूँ, सब नाम रजिस्टर है, यार VOLD ट्राई करते। और जब गूगल पे इसका मीनिंग देखा तो फोर्स, असॉल्ट एंड पावर इसका मीनिंग आता है, इसलिए ओल्ड नेम रखा। ये किसने बनाया लोगो, पैकेजिंग? हमने घर पे, मेरे दोस्त और एक ग्राफिक डिजाइनर था, कंसेप्ट हाँ। मेरा था और डिजाइन उससे बना के लिया। 2 डेज लगे डिजाइन बनाने में मुझे, 2 दिन में डिजाइन। हाँ,
अमेजिंग ब्रांडिंग एंड बहुत लाइक इसमें जो लाइटनिंग बिल्डिंग बनाई है आपने टू मेक इट लुक इंटरनेशनल. आप जानते हो ना पेपर बोट स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपना एनर्जी ड्रिंक से बिजनेस स्टार्ट किया था. जिंक फिर वो चला नहीं जिंक चला तो नहीं उन्होंने हाँ तो क्यों नहीं चला देखो ना आप. अरे जिंक दे दो क्या है जिंक अरे होल्ड दे दो पावर आता है होल्ड नाम में जिंक में क्या आप मुझे शुगर कैसा नाम है मत बताना मुझे डर लग रहा है आपसे. आप इसको हेल्थ ड्रिंक बोलते दो पर ये हेल्दी है क्या रियल में आपका क्या विचार है. वैसे इसमें इनोसिटॉल ऐड किया है का वो वुमेन्स के पीसीओज में भी हेल्पफुल रहता है. देवेश भाई आप है ना कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन ये पीसीओएस ना ये एंगल मत पकड़िए प्लीज. सिगरेट के अंदर अगर आप अश्वगंधा डाल दोगे तो सिगरेट आपके लिए अच्छी हो जाएगी क्या. नहीं वो नहीं तो फिर क्यों फेंक रहे हो यार. अगर तू बेच रहा है तो बट इसको हेल्थ करके मत ये हेल्दी छाती ठोक के बोलना एनर्जी ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स तो काफी लोग पीते हैं लेकिन आपको कुछ आइडिया है कि इसकी मार्केट साइज क्या होगी. पूरा अभी इंडिया का जो मार्केट साइज है ना 3,500 crore का है एनर्जी एनर्जी ड्रिंक्स का. अच्छा और इसमें से रेडबुल का कितना 61%. अरे वाह ये जो मार्केट है ना ये जैसे रेडबुल है वो क्या क्या बेचते हैं पता है लाइफस्टाइल बेचते हैं. कॉलेजेस में तो लोगों को लगता है कि रेडबुल पी रहे हैं तो मतलब इट्स समथिंग लाइक कूल टू ड्रिंक समथिंग कूल पी रहा है करेक्ट नो. इनको लड़ने के लिए आपकी जुगाड़ स्ट्रेटजीज क्या है. मैं अभी के मार्केटिंग के लिए मेरा बजट नहीं है तो मैंने क्या किया है अभी 25 नंबर लिए दोस्त के और मेरे नाम पे और व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू करता हूँ. मेरे पास इंडिया का 80 crore का डाटा है 80 crore लोगों का. वो मैंने ना एक इंस्टाग्राम से लिया था. इंस्टाग्राम में ऐसे नंबर थोड़ी मिलते हैं भाई. नहीं नहीं उसने ऐड डाला था कि इतने इतने नंबर हाँ भाई तुमने ईमेल लिस्ट खरीदी ये सब हाँ, जो भी है और उस पे दबा के तुम भेज रहे हो. 500 से ज्यादा पर भेजू ना व्हाट्सएप से एपीआई से वो बैन कर देते हैं नंबर तो इसलिए 25 नंबर लिए है मैंने. और अभी टीवी पे तुमने बता दिया तो व्हाट्सएप वाला तो बंद कर देगा तुम्हारी दुकान. नहीं कर देगा. तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड होता है उससे पहले मैं क्या करता हूँ वहाँ का एरिया पिन कोड वाइज नंबर रहते हो. अब अहमदनगर का अलग रहता है पुणे डिस्ट्रिक्ट का अलग रहता है और मुंबई का अलग रहता है तो सब फाइल अपलोड कर देता हूँ रात को सोने से पहले. वो ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है कंप्यूटर पे. एक रात में 12,000 से तकरीबन नंबर व्हाट्सएप पे अपना ब्रांड का वो एरिया में तो वो जाके मांगते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से. हाँ यस तो डिस्ट्रीब्यूटर रखता है. बहुत जुगाड़ो भाई बहुत जुगाड़ो. थोड़ी धंधे की गणित हम लेते हैं कितनी मंथली सेल है आपकी क्या खर्चे. अभी फर्स्ट मंथ मैंने 23 अप्रैल को स्टार्ट किया था तो 7 days में 1.5 lakh का सेल हुआ. उसके सेकंड मंथ पे 3.5 lakh का सेल हुआ. थर्ड मंथ में 5.20 lakh का सेल हुआ. फोर्थ मंथ में 3 lakh का सेल हुआ. 3 lakh गिर गया आपका. एंड इस मंथ वी विल बी क्लोज अराउंड 6 lakh. तो ये आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर को बिल किया है वो है. कितने में देता है डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर को 43 rupees में. 43 और तेरे को कितने के बेचता है वो. मुझे 28 rupees में आती. और वो कितने में बेचता है. वो 48 to 50 rupees. और रिटेलर को. और रिटेलर बेचता है इसे फिर 60 रुपए. और बचता कितना 6 lakh का आपने धंधा किया कितना बचता है. ग्रॉस मार्जिन आई थिंक 38% रहता है एंड इसमें से नेट 25% है मेरा. और सारा माल उधार पे देते हो. नहीं नहीं कुछ का एडवांस में रहता है और कुछ का 15 नहीं तो 1 month का चेक रहता है. तेरी टीम में कितने लोग हैं अभी. अभी सिंगल हूं मैं. अकेला काम करता. अकेला सब अकेला कर. अकेला तूने ब्रांड लॉन्च कर दिया. अकेला तूने सेल्स शुरू कर दी. आपकी कंपनी फॉर्म है LLP है सोल प्रोप्राइटरशिप है वो OPC प्राइवेट लिमिटेड. OPC OPC मतलब वन पर्सन कंपनी. उसमें क्या होता है एक ही शेयर होल्डर होता है. तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी उससे पहले वो OPC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी. भाई देवेश करना क्या यार आपको. आपने कहा दुनिया हिला देना है. अभी सर मैंने कैसे आप करोगे. आप अकेले देवेश चलो आपके जज्बे को सलाम करता हूं ठीक है. इंस्टिंक्ट मार्केटिंग इंस्टिंक्ट सॉलिड जुगाड़पना सॉलिड All checks off. कि आगे इसको कैसे आप बड़ी कंपनी बनाओगे. कोई स्ट्रेटजी है कि सिर्फ जज्बे के सारे चल रहे. अभी कॉलेज के जो फेस्टिवल्स वगैरह चालू होंगे उसमें अभी मार्केटिंग चालू स्टार्ट करने वाला हूँ. तो वो एक मार्केटिंग हो जाएगी. उसके बाद व्हाट्सएप की मार्केटिंग भी चलती रहेगी. कितने पैसे चाहिए आपको 100 crore का धंधा बनाने के लिए. 50 lakh चाहिए. और 100 crore का धंधा बना. इतने में कैसे बनेगा. आपकी वर्किंग कैपिटल इससे ज्यादा लग जाएगी. ये बिजनेस है सिर्फ मार्केटिंग का ठीक है. तो आप बोल रहे हो 50 lakh में आप 100 crore का धंधा बना दोगे.
तो आपने इस विषय में सोचा ही नहीं? नहीं नहीं बना लूंगा सर अभी। और मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या करने वाला हूँ सर मैं? अरे क्वेश्चन मार्केटिंग छोड़, 50 लाख में 100 करोड़ का बिजनेस, 50 लाख क्योंकि उसमें 8 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल में अटका होगा क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट आएगा एक महीने में, तो आपका 8 करोड़ प्लस आपका थोड़ा सा 20% जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना उनका ही 1 मंथ के बाद पेमेंट आता है। या तो प्रोडक्ट की डेप्थ देखे कि आपने कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला एक नया बना लिया है विच इज वेरी यूनिक, वो मेरे को लगा नहीं क्योंकि आपके पास R&D डिपार्टमेंट कुछ है नहीं। फिर आप वैल्यूएशन भी लाए हो, 6 लाख रुपए की सेल है, 70 लाख की साल की कर रहे हो और आपको चाहिए 25 करोड़ की वैल्यूएशन, 30-35 गुना ऑफ रेवेन्यू, वो भी कहीं से मेल नहीं खा रही और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बड़ा धंधा बनेगा कैसे, उसकी डेप्थ नहीं मिल रही। इन वजह से आज मैं तो बाहर हूँ, बाकी 4 साल अभी अभी। कभी कभी हम क्या करते हैं ना शार्क टैंक पे, बहुत से फाउंडर्स आते हैं जो बहुत रॉ होते हैं, उनमें जोश और जज्बा जुनून बहुत होता है, तो हम उस पर कभी कभी बेट लगाते हैं कि चलो उनको हेल्प करके बड़ा बिजनेस बनाएंगे। लेकिन आज में वो बात है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने इसमें आगे तक क्यों नहीं सोचा। मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा और पापा का पैसा मत लगाओ, ये गाड़ी से टेपिंग अलग करो, गाड़ी वापस करो, जब तक आप ये नहीं समझ जाओ कि इसको बिजनेस कैसे बनाना है, ना सिर्फ शौक। इस वजह से मैं आउट हूँ, गुड लक। तो मुझे आपका जोश बहुत ही पसंद आया और मुझे नहीं लगता है अनुपम ने बताया वैसे आपको कार रिटर्न करनी चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, आप रखिए इसे, यही आपका एकदम झकास आपका ये है डिफरेंशिएटर, तो रखिए इसे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एक को फाउंडर की आपको बहुत जरूरत है क्योंकि आप में पैशन है, विजन है, लेकिन समबड़ी जिसे मार्केटिंग, फाइनेंशियल्स, बिजनेस, जो एक एक्यूमेन होता है वो समझ में आए, तो आई थिंक आप एक को फाउंडर लाइए, थोड़ा सा सेल्स बढ़ाइए और फिर मिलेंगे। बट टुडे आई एम आउट। देवेश आप बहुत हंग्री एंड बहुत जुगाड़ू हो, तो इसलिए मन बहुत करता है कि आपको सपोर्ट करने का, पर 20 साल पहले जब मतलब रेडबुल छोटी थी तब वो ये सब करती थी कॉलेज फेस्टिवल में सैम्पलिंग एंड वो अपने कैंस क्रश करके बार्स वार के बाहर फेंकते थे जिससे लोगों लगे अरे वाह इतना बिक रहा है हम भी खरीदेंगे। आप आज भी वो 20 साल पुरानी वाली चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपने इसमें इतनी मेहनत नहीं की कि आप सोचो कि tier 2 tier 3 में सोशल मीडिया के थ्रू कैसे बड़ा ब्रांड बना सकते हैं क्योंकि उससे आप मच फास्टर ग्रो कर सकते हो, बट एज ऑफ नाउ मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है देवेश, आई एम आउट। तेरी मार्केटिंग बहुत बेसिक है। हाँ बेसिक है, इससे तू एक लेवल के बाद नहीं बढ़ पाएगा जैसे बाकियों ने बोला। तब जब मेरे पास फंडिंग आना चालू हो जाएगा तो हमें मार्केटिंग का जो है जरिया भी बढ़ा लूंगा। ऐसा लग रहा है तू ख्याली पुलाव, सुना है ख्याली पुलाव? हाँ। तू ख्याली पुलाव नहीं बना रहा अभी? नहीं। क्यों? नहीं मैं कर लूंगा सर। नहीं वो यार ये कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कैसे कर लेगा? कर लूंगा सर, अभी तो सीख के कर लूंगा, एक को-फाउंडर जैसे का को-फाउंडर ढूंढ लूंगा जो बेस्ट उसके मार्केटिंग का मतलब सबका एक्सपीरियंस हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैसे वेस्ट होंगे मेरे। नहीं सर वेस्ट तो नहीं होंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे सर, मैं होने ही नहीं दूंगा। कैसे? नहीं होने दूंगा, मैं अभी को-फाउंडर देखूंगा और आपकी भी एक्सपर्टीज आ जाएगी आपकी, मानो आप 10 दिन नहीं दे, 1 दिन तो दे सकते, तो 1 दिन के जो भी आप सिखाएंगे वो सीख लूंगा और उसको आगे बढ़ा लूंगा वो मैं। चल ठीक है मैं तेरे को ऑफर देता हूँ। अरे वाह, मैं तेरे को सिंपल ऑफर देता हूँ, 10 लाख देता हूँ तेरे को 10% के लिए, ठीक है? 1 करोड़ की वैल्यूएशन और 40 लाख डेट एट 12% फॉर 2 ईयर्स। नहीं सर, 50 लाख फॉर 10% पूरा। अभी तो 50 लाख फॉर नहीं, डेट तो डैड भी निकाल के दे सकते हैं ना मुझे। सही बात, 10 लाख फॉर 10% फॉर 1 करोड़ वैल्यूएशन, करेक्ट? हाँ। और बाकी जो 40 लाख है मैं तेरे को रॉयल्टी में देता हूँ, रॉयल्टी एट 3% फॉर एवरी कैन सोल्ड, जब तक ये वापस नहीं देता। ये वापस देगा तो रॉयल्टी ओवर, फिर मेरी सेम डील रह जाएगी 10 लाख एट 10%। इट्स अ वेरी गुड डील। बढ़िया है भाई, आपका सेल सिर्फ 30-35 लाख है, उसके लिए अच्छा वैल्यू भाई, पहला कदम आ जाएगी तेरा, एक तेरा वही हो जाएगा तेरा 2 साल डील डन। ऑलराइट, आपसे ऑफर चाहिए तो मुझे, आप बहुत कूल हो। ओह माय गॉड, आप स्वीट। अमन गुप्ता एक कूल बंदा है एंड जो उनका मार्केटिंग जो है ना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उन्होंने बोट का एम्पायर 16 लाख से स्टार्ट किया था और आज 5-6-7 साल में इतना बड़ा एम्पायर बनाया है उन्होंने बोट का, तो होल्ड का भी बना लेंगे वो।